Hey, what's up guys? मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, आज का जो लेसन है ना, काफी इंटरेस्टिंग लेसन है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कुछ स्मार्ट कॉन्वर्सेशन फ्रेजेस, आप इन्हें इडियम्स भी कह सकते हैं। और ये फ्रेजेस मैं अक्सर अपनी फॉर्मल और कैजुअल दोनों कॉन्वर्सेशन में यूज करता हूं। मैं क्या करूंगा, आपको एक सिचुएशन दूंगा और उस सिचुएशन में इन फ्रेजेस को कैसे यूज करना है ये आपको सिखाऊंगा। ये फ्रेजेस है ना, बहुत ही स्मार्ट फ्रेजेस है, और अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंट होना है तो इन फ्रेजेस को आप जरूर यूज कीजिए। कब तक आप अटके रहोगे उन्हीं घिसे पिटे फ्रेजेस में या बेसिक फ्रेजेस में? अगर आपको फ्लुएंट होना है इंग्लिश में तो ये फ्रेजेस आपको बहुत काम आने वाले हैं। इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है? आपके लिए एक टास्क भी है, जैसे जैसे मैं आपको ये फ्रेजेस बताते जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि आप इन फ्रेजेस को लेकर एक सेंटेंस कमेंट्स में मुझे जरूर लिख के बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको ये लेसन कितना समझ में आया। दोस्तों, आज का सबसे पहला स्मार्ट फ्रेज है टू सिट ऑन द फेंस, टू सिट ऑन द फेंस, या कह सकते हैं ऑन द फेंस। दोस्तों, फेंस का क्या मतलब होता है? फेंस का मतलब होता है दीवार, ठीक है। चलिए समझ लीजिए कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है, काफी समय बीत गया, कोई जवाब आया नहीं, तो आपने सोचा कि मैं क्यों रुकूं, किसी और कंपनी में अप्लाई करता हूं। तो आपने एक प्राइवेट कंपनी में अप्लाई किया, समझ लीजिए कि आपने टाटा कंसल्टेंसी में अप्लाई किया, और आपको दो दिन के अंदर रिप्लाई आ गया कि आपको ये जॉब मिल गया है, आपको ऑफर लेटर घर पे आ गया। उसी दिन आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी एक लेटर आ जाता है कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो गया है, मतलब आपको नौकरी मिल गई है। अभी आप बड़ी उलझन में है कि क्या मैं गवर्नमेंट जॉब लूं, क्या मैं टाटा कंसल्टेंसी का जॉब लूं? आप बस सोच रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आपको काफ़ी सिक्योरिटी है, काफ़ी बेनिफिट्स है, प्राइवेट जॉब में उतनी सिक्योरिटी नहीं है, उतने बेनिफिट्स नहीं है। तो आप क्या हो, आप एक उलझन में हो, राइट, कि टाटा कंसल्टेंसी का जॉब लूं या गवर्नमेंट जॉब लूं। तो जब आप कहते हो ना टू सिट ऑन द फेंस या ऑन द फेंस, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एक उलझन में हो, क्या करना है ये सोच नहीं पा रहे हो, या कह सकते हैं कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हो। इसी का मतलब होता है टू सिट ऑन द फेंस, मतलब समझ लीजिए कि एक दीवार पर बैठे हो, और इस तरफ टाटा कंसल्टेंसी जॉब है और इस तरफ गवर्नमेंट जॉब है, बस आप सोच रहे हो। तो यही होता है इसका मतलब, टू सिट ऑन द फेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इस स्मार्ट फ्रेज को कैसे यूज करना है आपकी कॉन्वर्सेशन में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, आर यू स्टिल सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट विच कॉलेज टू गो? तो आप कह रहे हो यस, बोथ आर गुड ऑप्शंस। मतलब क्या कि आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं, आपने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया और दो या तीन कॉलेजेस में आपका नंबर लग गया है, पर आप अभी क्या है ना, आप अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो कि कौन से कॉलेज जाऊं मैं, कॉलेज ए जाऊं या कॉलेज बी जाऊं, क्योंकि दोनों अच्छे हैं। तो आप क्या हो, यू आर सिटिंग ऑन द फेंस अबाउट चूजिंग योर कॉलेज, आप उलझन में हो कि कौन से कॉलेज मुझे जाना है, टू सिट ऑन द फेंस। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम ऑन द फेंस, आई डोंट नो इफ आई शुड बाय द ब्लू शर्ट और द ऑरेंज वन। तो आपका दोस्त कह सकता है, बाय बोथ ऑफ देम दे लुक ग्रेट। मतलब क्या कि आप उलझन में हो कि ब्लू खरीदूं या ऑरेंज शर्ट खरीदूं, दोनों मेरे पे जच रहे हैं। तो आपका दोस्त कह रहा है कि दोनों ही अच्छे हैं यार, दोनों ले लो, टू सिट ऑन द फेंस। रिया इज ऑन द फेंस वंडरिंग होम टू मैरी। रिया को अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स आए, दोनों ही लड़के अच्छे हैं, अभी वो बड़ी उलझन में है कि यार मैं शादी राहुल से करूं या शादी जतिन से करूं, किससे शादी करूं मैं, तो शी इज ऑन द फेंस। तो जब भी कभी आपको उलझन हो, राइट, तो ये कहने की बजाय कि आई एम कंफ्यूज अबाउट या मैं डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप कह सकते हो कि आई एम ऑन द फेंस या आई एम सिटिंग ऑन द फेंस। दोस्तों, ये जो नेक्स्ट फ्रेज है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। इनफैक्ट NDTV पे या किसी और न्यूज चैनल पे करण थापर का एक शो भी आता है, द डेविल्स एडवोकेट। देखिए, लाइफ में कैसा होता है ना, लाइफ में हम कभी कोई एक आइडिया प्रेजेंट करते हैं किसी को,
तो लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं से हमको उसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट या कह सकते हैं उसका एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट हमेशा मिलता है। हमारे पेरेंट्स से हो सकता है, हमारे दोस्तों से हो सकता है, हमारे ऑफिस कॉलिग से भी हो सकता है, हमेशा एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आता है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव सेंस में आए, शायद कभी कभी हमें वॉर्न करने के लिए भी वो एक ऑप्शन या आर्ग्यूमेंट होती है। ठीक है, डेविल का मतलब क्या होता है? डेविल का मतलब होता है शैतान। जैसा अगर आपने एक सोचा कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो आपके पेरेंट्स बोल सकते हैं या दोस्त बोल सकते हैं, अरे तुमने तो कभी बिजनेस किया नहीं, अगर तुम्हें लॉस हो गया तो, अगर तुम अपना खर्चा नहीं निकल पाए तो तुम्हारी अपनी सेविंग्स भी निकल जाएंगी, चली जाएगी। तो आपने एक आइडिया प्रेजेंट किया कि मुझे बिजनेस करना है, पर काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है कि तुमने कभी किया नहीं है तो तुम शायद लॉस कर सकते हो या सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। तो इसे ही कहते हैं टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। तो आपके पेरेंट्स या आपके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट। एक्चुअली इन शॉर्ट में कहा जाए, इसका अगर हिंदी में एक्चुअल ट्रांसलेशन देखा जाए तो होता है कि शैतान की वकालत करना। और इसका एक बहुत ही अच्छा वर्ड भी है हिंदी में, इसे कहते हैं छिद्रनवेशी। छिद्रनवेशी इसका एक्चुअल मतलब होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि इस स्मार्ट फ्रेज को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, लेट्स बाय अ कार, इट वुड सेव अस मनी ऑन ट्रैवल। मतलब वाइफ क्या कह रही है अपने हस्बैंड से कि एक कार खरीद लेते हैं, हम काफी सारा पैसा बचा लेंगे हमारे रोज के ट्रैवल में। मतलब शायद आप रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हो या उबर से ट्रैवल कर रहे हो, तो काफी सारा पैसा हम बचा लेंगे, एक कार खरीद लेते हैं। तो हस्बैंड क्या कहता है, बाइंग अ कार इज अ गुड आइडिया, बट लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, वुड वी बी एबल टू पे द EMI फ्रॉम द मनी वी सेव। मतलब हस्बैंड क्या कह रहा है कि हम जो ट्रैवल का पैसा बचाएंगे, क्या तुम्हें लगता है इससे हम हमारी जो कार की EMI वो भर पाएंगे? तो वाइफ कहती है, एक्चुअली यू आर राइट, मे बी वी शुड कंसिडर बाइंग अ कार आफ्टर आर प्रमोशन। तो वाइफ कह रही है कि तुम सही हो, हमें कार है ना, जब हमारा प्रमोशन होगा ना, मतलब सैलरी जब बढ़ेगी तभी लेनी चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, वाइफ ने एक आइडिया दिया कि हमको कार खरीदनी चाहिए, पर हस्बैंड ने क्या किया, डेविल्स एडवोकेट प्ले किया और कहा कि आइडिया तो बहुत अच्छा है बट क्या हम अपना EMI निकाल पाएंगे। तो वाइफ कहती है कि नहीं, हमें अपने प्रमोशन के बाद लेना चाहिए। तो ये राइट एग्जाम्पल है टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, नॉट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट बट शुडंट वी आस्क द बॉस बिफोर मेकिंग दीज चेंजेस टू द प्रपोजल। मतलब मेरा कॉलीग मेरे से कह रहा है कि ये जो चेंजेस हम कर रहे हैं ना प्रपोजल में, उसके पहले तुम्हें नहीं लगता है कि हमें अपने बॉस से पूछ लेना चाहिए? तो मैं कह सकता हूं, दैट्स ओके, ही ट्रस्ट आर एबिलिटी। मतलब मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, बॉस को हमारी क्षमता, हमारी काबिलियत पे पूरा यकीन है। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया, मेरे कॉलीग ने क्या किया, डेविल्स एडवोकेट प्ले किया, उसने वॉर्न किया मुझे, योर गेस इज एज गुड एज माइन। अभी समझ लीजिए कि आपसे किसी ने पूछा कि इंडिया ने जो चंद्रयान भेजा था और जो रोवर विक्रम रोवर जो चंद्रमा पे उतरने वाला था, चांद पर उतरने वाला था, वो क्यों नहीं उतर पाया। अभी मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं है कि क्यों नहीं उतर पाया, उसके टेक्निकल डिटेल्स मेरे पास नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आई डोंट नो द आंसर। पर वो कहने के बजाय मैं क्या कह सकता हूँ, योर गेस इज एज गुड एज माइन। मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे कोई इस बारे में कोई क्लू नहीं है या कोई खबर नहीं है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर मुझसे किसी ने पूछा कि डू यू नो हाउ टू इंस्टॉल न्यू फॉन्ट्स ऑन द आईफोन, तो मैं कह सकता हूं नो आइडिया, योर गेस इज एज गुड एज माइन। मतलब मुझे नहीं पता कि आईफोन पर नए फॉन्ट्स कैसे डालते हैं, जितना तुम्हें पता है उतना ही बस मुझे ही पता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, आर वी गेटिंग अ गुड सैलरी रेज दिस ईयर, वेल योर गेस इज एज गुड एज माइन, लेट्स आस्क राहुल, ही ऑलवेज हैज इनसाइड इंफॉर्मेशन। मतलब दो कॉलीग्स के बीच में बात चल रही है, पूछ रहे कि क्या हमें इस साल सैलरी में अच्छा रेज मिलने वाला है, तो मैं कह रहा हूं कि यार मुझे तो पता नहीं, चलिए राहुल से पूछते हैं, क्योंकि राहुल को ना अंदर की खबर होती है। इनसाइड इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि अंदर की खबर होना, टू कट कॉर्नर्स। समझ लीजिए कि क्रिकेट की प्रैक्टिस हो रही है, बहुत सारे बच्चे ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं, तो जनरली जब प्रैक्टिस शुरू होती है तो उसके पहले कोच क्या करता है, उनसे वार्म अप कराता है। तो कोच ने बच्चों से कहा कि आप एक काम करो, ग्राउंड का पूरा राउंड लगा लो, एक राउंड लगा लो। अभी क्रिकेट का ग्राउंड काफी बड़ा होता है, पर कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, उन्हें ये वार्म अप वगैरह पसंद नहीं है,
तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड के चुपचाप ग्राउंड के बीच में से चक्कर लगाएंगे, मतलब क्या करेंगे, एक शॉर्टकट लेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कॉर्नर्स को कट कर रहे हैं और बीच में से शॉर्टकट ले रहे हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यही होता है कि शॉर्टकट लेना, या कह सकते हैं कि कम मेहनत करना, टू पुट लेस एफर्ट्स, या कह सकते हैं कि किसी चीज की जो क्वालिटी है ना उसको घटा देना, टू डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ समथिंग। और ये जनरली जो यूज होता है ना एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, मतलब एक नेगेटिव चीज बताने के लिए यूज होता है, टू कट कॉर्नर्स। चलिए देखते हैं इसे कॉन्वर्सेशन में हम कैसे यूज कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहला एग्जाम्पल है, द बिल्डर इज कटिंग कॉर्नर्स बाई यूजिंग चीपर मटीरियल इन देयर प्रोजेक्ट्स। मतलब बिल्डर क्या कर रहा है, जो बिल्डिंग का काम चल रहा है उसमें रेत ज्यादा और सीमेंट कम डाल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इस जो कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज कर रहा है, ही इज कटिंग कॉर्नर्स। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इफ यू कट कॉर्नर्स ऑन योर बाइक रिपेयर्स योर बाइक वोंट लास्ट लॉन्ग। आपने बाइक खरीदी, आपके पास बाइक है, तो जनरली बाइक की सर्विसिंग आपको कहां करनी चाहिए, जो ऑथराइज सर्विस स्टेशन, अगर बजाज की बाइक है तो बजाज के सर्विस स्टेशन में करेंगे, होंडा की बाइक है तो होंडा के सर्विस स्टेशन में करेंगे। पर आप क्या कर रहे हो, आप किसी लोकल मैकेनिक के पास सर्विस करा रहे हो, तो क्या होगा, बाइक की लाइफ कम होगी, क्योंकि जो एक ऑथराइज सर्विस स्टेशन की सर्विस होती है उसको आप एक लोकल मैकेनिक के सर्विस से कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे जो क्वालिटी है उसे डिक्रीज कर रहे हो, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप कॉर्नर्स कट कर रहे हो। पर आप ऐसे मत करना, आप आपकी बाइक की सर्विस ऑथराइज सर्विस स्टेशन में ही कराना। दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्मार्ट फ्रेज है, टू मिस द बोट, टू मिस द बोट। अभी समझ लीजिए कि आप सिंगापुर जा रहे हैं एक 7 दिन की ट्रिप के लिए, आपने आपके बैग्स वगैरह सब पैक कर लिए और एयरपोर्ट जाने के लिए आप निकल चुके हो, रास्ते में इतना ट्रैफिक मिला कि आप एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच ही नहीं पाए, और जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। तो क्या हुआ, यहां पर आपने चांस मिस कर दिया, राइट। इस फ्रेज का मतलब यही है कि अपॉर्चुनिटी को खो देना या मौका खो देना। तो ये कहने की बजाय कि आई मिस द चांस, आप कह सकते हो आई मिस द बोट, एक बहुत ही स्मार्ट फ्रेज है। चलिए देखते हैं इसे एग्जाम्पल्स में हम कैसे यूज कर सकते। ओके, सबसे पहला एग्जाम्पल है, वी नीड टू मूव फास्ट टू सबमिट द कॉलेज एडमिशन फॉर्म्स एल्स वी माइट मिस द बोट। मतलब क्या कि हमें जो कॉलेज के फॉर्म्स है एडमिशन के, वो उसकी डेडलाइन के पहले सबमिट कर देनी चाहिए, या फिर हम इस कॉलेज में एडमिशन लेने का अपॉर्चुनिटी खो देंगे, मौका खो देंगे। आई होप आई डिडंट मिस द बोट, डू यू स्टिल हैव डिस्काउंट्स ऑन दीज फोन्स, श्योर हियर्स द लास्ट वन। मतलब मैं शॉपकीपर को वही पूछ रहा हूँ या मोबाइल जो बेचता है उससे पूछ रहा हूँ कि क्या इन फोन्स पर अभी भी डिस्काउंट है, क्या मैंने मौका खो दिया। तो कह रहे नहीं, डेफिनेटली है, ये लास्ट फोन है, बस इसे अभी ले लो, राइट, मिस द बोट। तो दोस्तों ये था आज का लेसन, जहां पे आपने सीखे कुछ 5 स्मार्ट फ्रेजेस। मैं जानता हूं ये लेसन थोड़ा लंबा है, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सही सिचुएशन में सही फ्रेजेस के साथ इन्हें कैसे यूज करना है ये सीख पाओ। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इस लेसन को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे लेसन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक नए लेसन के साथ, एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। तब तक Keep learning English and keep practicing English. Take care.